अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में रहने वाले कोच इरफान अंसारी पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंसारी इस दौरान क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ICC के भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्यूनल ACCU ने अंसारी को संस्था के 3 मामलों के उल्लंघन करने का दोषी पाया। 2017 में सरफराज से मिला था इरफान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने ICC को बताया था कि अक्टूबर 2017 में UAE में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान इरफान अंसारी ने अहम जानकारी हासिल करने के लिए उनसे संपर्क किया था। सरफराज ने तत्काल इसकी सूचना ICC को दी। इसके बाद ICC के ACCU ने जांच शुरू की। परिणाम स्वरूप आरोप तय हुए और फैसला किया गया। ICC के बयान के मुताबिक ACCU ने सबूतों को सुना कि अंसारी ने अक्टूबर 2017 में UAE में श्रीलंका के साथ सीरीज के दौरान सरफराज से संपर्क किया। ICC की नज़र में सूचना हासिल करने का आग्रह करना भ्रष्टाचरण है। ICC के ACCU के जनरल मैनेजर एलेक्स मार्शल ने कहा, मैं सरफराज अहमद को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले की सूचना दी थी। उन्होंने समझ में आ गया कि यह क्या है। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और इसकी सूचना दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े होने और UAE में घरेलू मैचों में भाग लेने वाली 2 टीमों का कोच होने के कारण अंसारी को ICC की आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।